देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे ये है बाबर के प्रमुख युद्ध। देखिए अब हम बात करते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध की। बाबर का जो प्रमुख युद्ध है सबसे पहला, वो कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था वो सन थी 1526, और ये हुआ किसके बीच था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, केवल आपके ही पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जब आप बड़े हो जाओगे कंपटीशन कोई दोगे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आप ये सन याद रखिएगा, 1526 ईस्वी। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और वो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रमुख दूसरा युद्ध था, ठीक एक साल बाद यानी 1526 के बाद क्या आ गया, 1527। 1527 में जो युद्ध हुआ वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये जो खानवा का युद्ध है ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। जो प्रमुख युद्ध में दूसरे युद्ध की बात करें तो बाबर का जो दूसरा युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 1526 यानी 101 साल बाद। 1526 के बाद क्या आता है, 1527 आता है, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और ये खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो दो युद्ध हो गए, 1526 में पानीपत का युद्ध और 1527 में खानवा का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। जो इसका तीसरा प्रमुख युद्ध है वो ठीक एक साल बाद फिर हुआ, ये होगी 1528 ईस्वी। इसमें ये जो युद्ध हुआ इसे युद्ध कहलाता चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। अब ये चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर तो है ही, क्योंकि हम बाबर के युद्ध की बात कर रहे हैं। ये दूसरा जो तीसरा युद्ध है इनका, बाबर और मेदिनी राय। तीसरा युद्ध 1528 में हुआ, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। अब हम बात करते हैं चौथे युद्ध की, फिर आ जाइए एक साल बाद, तब आ गए हम 1529 में, और यह युद्ध कहलाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, अब देखिए 26 था, 27, 28, 29 लगातार हैं, तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यह युद्ध हुआ था बाबर और अफगान सरदारों के बीच में। ये चार युद्ध हमारे प्रमुख हैं। सबसे पहले एक बार हम फिर से आपको दोहरा देते हैं, 1526 में युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध, और ये युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक एक साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और ये खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में। तीसरा युद्ध फिर एक साल बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, और चंदेरी का युद्ध जो है वो कहलाता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चौथा युद्ध होगा ये 1529 में हुआ,
घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगान सरदारों के बीच में। अब देखिए 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, एक और डेट एक साल बाद 1530 ईस्वी हम लिख लें, और इसमें क्या हो गया, बाबर की मृत्यु हो गई। अब क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, बाबर के प्रमुख युद्ध की बात कर रहे हैं, तो 1530 हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि एक साल बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। अगर आपको बाबर के जो युद्ध याद ना रहे तो एक बात हमेशा याद रखना, देखिए हम यहां पर मैं लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं का। अब देखिए सेंटेंस बनेगा, पानीपत में खानवा, चंदेरी का घाघरा। तो याद रहेगा पानीपत में खानवा, पानीपत में खानवा, अब याद रहेगा कि पानीपत में खानवा, चंदेरी का घाघरा, ये चार युद्ध लाइन से आपको याद हो जाएंगे। पहला जो प्रमुख युद्ध है पानीपत 1526, खानवा यानी 1527, चंदेरी 1528 और फिर घाघरा 1529। इस तरीके से चारों हमारे युद्ध बाबर के जो है तुम्हें याद बने रहेंगे। एक लाइन याद करने में, एक आप वाक्य याद कर लीजिए, पानीपत में खानवा,